देवनगरी उत्तराखंड में शांत वादियों में जहर घोलने वालों के खिलाफ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार सख्त एक्शन ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धामी के सख्त एक्शन का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद थूक जिहाद को लेकर ऐसे लोगों की निंदा की है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग लंबे समय से उत्तराखंड में रह रहे हैं, वह उत्तराखंड की स्थिति और संस्कृति को समझते हैं। ऐसे लोग यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन कुछ बाहरी तत्व उत्तराखंड में इस तरह की निंदनीय घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने के साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, लैंड जिहाद हो, और अब थूक जिहाद का भी मामला सामने आने लगा है, जिसको लेकर अब धामी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। तो उत्तराखंड की दशा खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसका समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ एमओयू किया है। युवाओं को प्रशिक्षण के नए आयाम प्रदान करने को देखते हुए उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री ने टाटा मोटर्स के साथ ये एमओयू किया। इस बात को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि हमारा मानना है कि जो छात्र आईटीआई में पढ़ रहे हैं उन्हें बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जिससे उन्हें नए रोजगार मिलेंगे, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कौशल विकास विभाग का एक बहुत स्पष्ट मत है कि हर लड़के को जो आईटीआई में एडमिशन ले रहा है और अपने कोर्स वहाँ पे पढ़ रहा है, उसको टॉप कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करने का एक मौका मिलना चाहिए, कैंपस रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हमारा बच्चा आईटीआई की डिग्री लेके सड़कों पे भड़के, कंपनियों के बाहर भटके, वो ठीक नहीं है। तो इसी के लिए हमने पिछले साल अशोक लेलैंड के साथ टाइप किया था। इंडिया की सबसे टॉप टू ट्रांसपोर्ट कंपनीज में अशोक लेलैंड का नाम है, और 1000 बच्चे 3 साल के लिए, हर साल 1000 बच्चे अशोक लेलैंड ने हमसे एमओयू किया था, और पहला बैच हमारा 600 बच्चों का ऑलरेडी अशोक लेलैंड में ट्रेनिंग ले रहा है। उसी के लिए आज हमने टाटा मोटर्स से भी निवेदन किया था। हमने 2 महीने पहले मेरी एक मीटिंग हुई थी सितारगंज में टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव से, और मैं धन्यवाद दूंगा टाटा मोटर्स का कि आज उन्होंने हमारे विभाग के साथ एक एमओयू किया है, कौशल विकास विभाग के साथ, जहाँ पे 800 बच्चे हर साल अगले 3 साल के लिए वो इंटर्नशिप पे रखेंगे, इन हाउस रिक्रूटमेंट करेंगे, कैंपस में जाके वो इंटरव्यू करेंगे। तो एक कोशिश है कि आईटीआई के जितने बच्चे हैं उनको टॉप कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिले। जब आपके बायोडाटा पे अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स की इंटर्नशिप लिख के आता है तो आपके लिए नौकरी आसान हो जाती है, और जब ये बड़ी कंपनीज आपको ट्रेनिंग देती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण उम्मीद भी है कि हायरिंग भी ये लोग ही कर लेंगे, क्योंकि जो आदमी ट्रेन करता है कहीं ना कहीं वो अपने टैलेंट को बाहर नहीं जाने देता है। तो इसी के लिए यही कोशिश है हमारी कि आईटीआई के बच्चों को अच्छी नौकरी भी मिले और उनकी ट्रेनिंग। उत्तराखंड में थूक विवाद पर राजनीति तेज है। अब उत्तराखंड पुलिस ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड के होटल्स और अन्य ऐसे व्यवसाय जहां पर आम लोग खाते पीते हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिस तरह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा कौन कर रहा है, ये सामने आना चाहिए। तो थूक जिहाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के रिएक्शन सामने आए हैं, जिसको लेकर अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, होटल व्यवसाय और या फिर जहां पर लोग खाते पीते हैं उनके लिए अब नई गाइडलाइंस जारी की है। अब इसी को लेकर कहा गया है कि जो कानून व्यवस्था है वो तो हो, लेकिन जो लोग इस तरीके से काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी जरूरी है, ताकि एक संदेश और एक सबक मिल सके।
देखिए बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, जिस तरह सोशल मीडिया पे चीजें लगातार चल रही हैं, तो अब ऐसा तो उचित नहीं है। उसमें कितनी सच्चाई है क्या है उसकी एक बार जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कुरीतियाँ खड़ी होंगी तो निश्चित तौर पर ये टकराव भी बनेगा और एक ये मान के चलिए कि दोनों मतभेद खड़े होंगे और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके व्यवसाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला जिस तरह से बात चल रही है, तो मुख्यमंत्री का कोई भी इसको अलाउ नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री ने ठीक बात कही है, अगर ऐसा हो रहा तो ठीक नहीं है, उसकी जांच पड़ताल और जहां से इस तरह की बातें चल रही हैं उसका समझ। खबर देहरादून से है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खाने पीने के सामानों में थूकने के मामले में बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में थूक जिहाद लफ्ज जिहाद नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि होटल व्यवसाय हो या फिर अन्य स्थान जहां पर आम लोग खाते पीते हैं, वहां पर अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश सरकार यह पता करेगी कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो उत्तराखंड की शांत फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा रहेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जिहाद शब्द केवल बोल देने से, सुबह से शाम तक 10 बार जिहाद शब्द बोल देने से अपराध खत्म नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त रुख अख्तियार करने का निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। हम भी जानना चाहते हैं वो कौन से चेहरे हैं जो उत्तराखंड की शांत फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग चिन्हित होने ही चाहिए। आखिर उनकी मंशा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी नीयत क्या है, किस नीयत से उन्होंने ये किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आत्मावलोकन भी करना होगा, समझना होगा इस बात को लेकर कि यदि वो UCC लाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं तो फिर थूक जिहाद और लव जिहाद भी उन्हीं के शासनकाल में पहली बार उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में यात्रियों को रास्ते पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे लेकर लोक निर्माण विभाग लगातार गड्ढा मुक्त अभियान चला रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गड्ढा मुक्त अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 65% कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग में कुल 2,316 किलोमीटर में से 1,517 किलोमीटर सड़क पर मरम्मत का कार्य पूरा हुआ है, बाकी कार्य दीपावली से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढा मुक्त अभियान के अंतर्गत कुल 2,316 किलोमीटर सड़कों में से 1,517 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अलावा पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार लक्ष्य के अनुरूप 65% कार्य पूर्ण किया जा चुका है और भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी यात्रा है ये चल रही है, यमुनोत्री में 6,57,067 यात्री पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग चल रही है, जिस पर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में नैनीताल जिले में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी के नाम पर पंजीकृत आधे हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जब्त कर ली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर रिएक्शन दिया। 2018 में जो महापाप आपकी सरकार ने किया था उसको धोने में 4-5 साल लग गए, जल्द ही इस पाप को भी धो लेंगे और अच्छा भू कानून लाओ जो कि व्यापक होना चाहिए, जिसमें भू सुधार भू उपयोग जैसे कई पहलू हो सकते हैं। यदि आ रहे हैं तो मैं कहूँगा देर कर दी हजूर आते आते, और ये तो तुम्हारा ही पाप था 2018 में जो महापाप तुम्हारी सरकार ने किया था उसको धोने में आपको 4-5 साल लग गए, और अभी जितना विलम्ब करोगे उतना होगा पाप आपके सर पर भी चढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी धो उस पाप को, जल्दी एक अच्छा भू कानून लाओ और वो भू कानून व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जमीनों की खरीद से ही संबंध है, उसका संबंध भू सुधार से और दूसरी चीजों से भी, भू उपयोग से, उसके अलग अलग। खबर देहरादून से है जहां पर विगत 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद विभागीय अधिकारियों ने नुकसान का आकलन कर शासन को प्रस्ताव भेजा है।
पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के कुल 41 प्रस्ताव में 48 करोड़ 36 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है उस पर काम किया गया है। कि 31 जुलाई 2024 को बहुत अधिक बरसात हुई थी केदारनाथ क्षेत्र में, काफ़ी अधिक नुकसान हुआ था, तो नुकसान का आकलन किया गया और नुकसान के आकलन करने के बाद लोक निर्माण विभाग के कुल 29 प्रस्तावों पर जिसकी लागत 19 करोड़ 34 लाख रुपया है और सिंचाई विभाग के 12 प्रस्तावों पर जिनकी लागत 29 करोड़ 1 लाख रुपया है, इस प्रकार से कुल 41 प्रस्ताव हैं जिनकी लागत 48 करोड़ 36 लाख रुपया है, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है और अतिशीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को यात्रियों को किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको कोई दिक्कत न हो और आपदा से जो क्षति हुई है उसको। देहरादून नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में जिलाधिकारी सविन बंसल ने निगम परिसर में समीक्षा बैठक की, जहाँ पर इस दौरान इस आयुक्त गौरव कुमार सहित नगर निगम के तमाम आला अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान तमाम क्षेत्रों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाकर नाराजगी जाहिर की है। जब हमने अपनी फील्ड टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी वार्ड वाइज निर्धारण करते हुए कि जितनी भी हमारी डिफेक्टिव लाइट्स का बैकलॉग है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो कुछ जो फीडबैक प्रकाश में आया था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं लाइट्स का वो हो सकता है कि कम पड़ेगा, अभी वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। तो उसके चलते जब हमारी यहाँ पर प्री रिव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें आज आयुक्त साहब ने ऑलरेडी 1000 लाइट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है जो आज हमें प्राप्त भी हो रही हैं, वो हमारी इन्वेंट्री में रहेंगी एज अ लिक्विड रिसोर्स। और जो हमारी टीम्स कल से फील्ड में रवानगी होगी उनका पहले सुबह। खबर देहरादून से है जहां पर प्रदेश की सड़कें आज पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, यह दावा किया है पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने। आगे उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है लेकिन 10% कार्य इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि अमूमन बरसात 15 सितंबर तक रहती थी लेकिन इस बार 20 सितंबर तक चली। इसके साथ ही पहाड़ में स्थानीय ठेकेदारों के स्ट्राइक के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लेट काम किया गया। लगभग हम लोग 90% काम कर चुके हैं पैचवर्क का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि पूरे प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक इश्यू जरूर रहा कि इस साल बारिश जो है जो जनरली 15 सितंबर तक खत्म हो जाती है, इस बार 30 सितंबर तक बारिश होती रही जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ स्टार्ट करने में हम लोगों काम। और बीच में क्या हुआ, जो हमारे लोकल ठेकेदार हैं जो पहाड़ के जनपद के मेनली ठेकेदार हैं उन्होंने भी स्ट्राइक की हुई थी, उनके कुछ इश्यूज थे उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो उसकी वजह से जल्दी से काम स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम लोग 90% तक के आसपास पहुंच रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि आज शाम तक। उत्तराखंड पुलिस ने अगले 2 माह के लिए ऑपरेशन स्माइल शुरू की है। इस ऑपरेशन के जरिए गुमशुदा बच्चों और लोगों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। साल 2015 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 5981 गुमशुदा लोगों को तलाश किया गया और उनके परिवार से मिलाया गया। ये हम 2015 से जो है ऑपरेशन स्माइल को जो है लगातार जो है इसको इम्प्लीमेंट करा रहे। आज से हम 2 महीने का पुनः जो है एक बार ऑपरेशन स्माइल को इम्प्लीमेंट करा रहे। इस बार हमारा विशेष फोकस जो है वो मिसिंग गर्ल्स है और माइनर्स है, उन पर हमारा विशेष जो है ये फोकस रहेगा। जो ऐसी नाबालिग लड़कियाँ हैं जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा 2015 से। जनपद देहरादून में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नग्याल ने अपराधों से संबंधित समीक्षा गोष्ठी की। इसको लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा 1 सितंबर से ड्राइव चलाया जा रहा है जिसमें कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ ही कोई अधिकारी 1 महीने के भीतर पब्लिक डोमेन में आई हुई शिकायत का निवारण नहीं करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
एक ड्राइव पुलिस में चलाया जा रहा था 1 सितंबर से और ये 10 तारीख तक। तो इसमें ये स्पष्ट था कि जितने विवेचनाएँ हैं पुराने उसका निस्तारण किया जाए समयबद्ध, और जो उस मुलजिम है वांछित चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए, साथ ही जो गिरफ्तार नहीं हो रहा है उनमें इनाम घोषित किया जाए। तो उनका मैं सबका परीक्षण कर रहा था और जो अप्लीकेशंस है पब्लिक के द्वारा पीड़ित के द्वारा दी जाती है उसका निस्तारण समयबद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन सब का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्रों में जरूर कुछ देरी हो रही है तो उस संबंध में निर्देश दे दिया। हरिद्वार में पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है, जब ई रिक्शा चुराकर भाग रहे चोरों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। कांस्टेबल कुंदन चौहान और होमगार्ड विक्रम ने उनसे पूछताछ के बाद थाने चलने के लिए कहा, लेकिन अचानक दोनों चोरों ने कांस्टेबल कुंदन चौहान और होमगार्ड विक्रम के सिर पर लोहे की रोड से हमला कर दिया और भाग निकले। कल रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात्रि 3 बजे के आसपास जो हमारी चेतक मोबाइल है वो गश्त पर थी, इसी क्रम में जे ब्लॉक इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे चौकी क्षेत्र में पड़ता है रानीपुर के ही गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में, वहाँ पर एक स्कूटी और उसके साथ ही एक ई रिक्शा इनको आती हुई संदिग्ध दिखाई दी थी, जिससे पूछताछ करने पर जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। इस क्रम में जब हमारे हेड कांस्टेबल कुंदन और उसके साथ में होमगार्ड के जवान विक्रम के द्वारा इनसे जब पूछताछ की जा रही थी, इसी क्रम में इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर पुलिस पर हमला किया, जिसमें हमारे होमगार्ड हैं उसके सर पर चोट लगी, जिसे तत्काल हॉस्पिटल पर भिजवाया गया, अभी उसका वहाँ पर इलाज चल रहा है। हरिद्वार जिले की रुड़की में ड्रग विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के चलते ड्रग इंस्पेक्टर के झबरेड़ा क्षेत्र में एक दवा कंपनी में छापा मारा, जहां पर उन्हें खामियां मिली। कंपनी के मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया है, साथ ही 5 दवा के सैंपल भी लिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने रुड़की और देहात क्षेत्रों में मेडिकल स्टोरों पर भी पहुँचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें वहाँ पर भी कई खामियाँ नजर आईं, जिसके चलते उन्होंने कई मेडिकल स्टोर पर भी ताला जड़ दिया। मुझे आज जो है कुछ गंगनहर की कुछ मेडिकल स्टोर थे और कुछ इमली खेड़ा के आसपास के कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर दवाइयों की जो है गलत तरीके से उनका मिसयूज किया जा रहा है। तो हालांकि मुझे दुकान पर से ऐसा कोई कुछ भी मिला नहीं है, बट जारी रहेगी कि अगर कोई घर पर लगता है तो घर पर भी तलाशी की जा सकती है। और ऐसे ही 2-3 मेडिकल स्टोर अभी मेरे द्वारा बंद किए गए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी अनियमितताएँ थी कि लोग दवाइयाँ रखते हैं और उनकी साफ़ सफाई सही से नहीं रखते हैं, तो दवाइयों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए उनका जो है स्टोरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी सेल्फ लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। तो ऐसे निर्देश भी दिए जा रहे हैं, कई लोगों को मैंने जो है निर्देशित किया है कि वो लोग अपनी दुकानें साफ करेंगे। और मेडिकल स्टोर पर कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि बच्चे दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो ऐसे में मैं दुकान का बंद करा के ताला लगा देती हूँ। ताकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबों जैसे व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आते ही उनके निर्देशानुसार पुलिस महानिरीक्षक अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना और अराजक तत्वों पर सरकार की पैनी नज़र है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे लोगों को जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो अपनी सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो पहचान जो चाहे किसी होटल में ढाबे में किसी भी उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होनी